हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बुजुर्गों और खिलाड़ियों को जो रियायतें रेल टिकट में दिया जा रहा था वो बंद कर दिया गया, पूर्णतः बंद कर दिया गया है दोस्तों। ये कंफर्म न्यूज़ है। तो इस तरह से जैसे बुजुर्ग को जो रियायतें दी जाती थी, जो पुरुष 60 वर्ष से ऊपर थे उनको 40% का रेल टिकट में कंसेशन दिया जाता था, छूट दिया जाता था। जो महिला 58 वर्ष से ऊपर है उनको 50% का रेल कंसेशन छूट दिया जाता, रेलवे किराया में 50% नहीं लगता था उनको किराया महिला को। इस तरह से जो बुजुर्ग हैं उनको छूट दिया जाता था, अब वो पूर्णतः बंद कर दिया गया दोस्तों। तो इस पर आपकी क्या राय है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। अभी भी एमपी एमएलए और युवा और को अभी भी कंसेशन चालू है। तो इस तरह से आज बुजुर्ग का ये बहुत ही बुरी खबर है बुजुर्गों के लिए, क्योंकि सालाना बुजुर्ग करीब 5 से 6 करोड़ लोग सफ़र करते हैं और करीब करीब इसे रेल को 1600 करोड़ रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन 1600 करोड़ रुपये सालाना फ़ायदा दिखाने के लिए रेलवे ने उसको पूर्णतः बंद कर दिया है दोस्तों। और रेल के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, लोकसभा में ये बात बोले थे कि रेल को काफ़ी घाटा हो रहा है, कोरोना काल में भी काफ़ी घाटा हुआ था, इसके कारण जो बुजुर्गों को मिलने वाली छूट थी उसको बंद कर दिया गया था। तो जो कोरोना काल 2020 में ही इसको बंद कर दिया गया था और उम्मीद किया जा रहा था कि अब कोरोना जब पूर्णतः ख़त्म हो गया है तो इसको फिर से चालू किया जाएगा, अब बुजुर्गों को रियायतें दी जाएगी, खिलाड़ियों को रियायतें दी जाएगी। लेकिन दोस्तों खिलाड़ियों और बुजुर्गों को जो रियायतें दी जा रही है वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है, बाकी एमपी एमएलए को अभी भी चालू है दोस्तों। तो इस पर क्या कमेंट है आप ज़रूर इस पर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की रेल की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको हम देते रहेंगे।